गुड इवनिंग एवरीवन आज हम देखेंगे चैप्टर टेन हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव का पार्ट वन तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज हिप्नोटिक्स एंड एंडेटिव तो फर्स्ट देखते हैं सिडेटिव दिस आर द ड्रग विच रिड्यूस एक्साइटमेंट तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने का काम करता है जो भी पेशेंट होता है जो एक्साइटेड स्टेट में होता है ड्यू टू एंजाइटी बोलिए या फिर ड्यू टू कोई फियर बोलिए ऐसे पेशेंट को काम डाउन करने के लिए सिडेटिव जो ड्रग है ये देते हैं उसके बाद देखते हैं हिप्नोटिक्स दिस आर द ड्रग्स दैट इंड्यूस स्लीप रिजेंबलिंग टू नेचुरल स्लीप तो हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि स्लीप इंड्यूस करते हैं जो कि रिजेंबल है नेचुरल स्लीप की तरह अब हिप्नोटिक्स को हमने बोला है कि भाई ये इंड्यूस करता है नेचुरल स्लीप रिसेम्बलिंग स्लीप ठीक है मींस ऐसी स्लीप इंड्यूस करता है जो कि नेचुरल स्लीप के बराबर की स्लीप है ठीक है बट ऐसा अभी तक के कोई ड्रग नहीं बना है जो कि नेचुरल स्लीप दे सके नेचुरल स्लीप नेचुरली आती है ये सिर्फ थोड़ा हेर फेर करता है बिटवीन योर आरईएम एंड नॉन आरईएम जो ये होता है रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट के जो टाइमिंग्स होते हैं उसमें अल्टरेशन करने का काम करता है आपका हिप्नोटिक्स ट्रक ठीक है तो हिप्नोटिक्स आर यूज टू ट्रीट इंसोमनिया इंसोमनिया क्या है लैक ऑफ स्लीप जिन्हें नींद नहीं आती है ड्यू टू टेंशन बोलिए ड्यू टू डिप्रेशन बोलिए ड्यू टू स्ट्रेस बोलिए जिन्हें स्लीप नहीं आती है ऐसे लोगों के लिए हिप्नोटिक्स ड्रग्स को यूज करते हैं जिनके वजह से उनका जो एक्साइटमेंट है ड्यू टू स्ट्रेस ड्यू टू डिप्रेशन बोलिए जो भी बोलिए जिनकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है ऐसे पेशेंट्स को ये हिप्नोटिक्स ड्रग देते हैं जिन्हें इंसोमनिया की तकलीफ होती है मीन्स उन्हें नींद ही नहीं आती है ड्यू टू वेरियस काइंड ऑफ टेंशन और वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज और एनी अदर काइंड ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर तो ऐसे पेशेंट को नींद देने के लिए हम हिप्नोटिक्स ड्रग का यूज करते हैं बोथ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स आर सी एन एस डिप्रेशन अब सीडीटिव और हिप्नोटिक्स दोनों भी क्या करते हैं अल्टीमेटली पेशेंट को डाउन करने का काम करते हैं अगर सीडीटिव को देखा जाए तो ये पेशेंट को स्लिप इंड्यूस नहीं करता स्लिप मीन्स सोन सुलाता नहीं है बट जो एक्साइटमेंट है पेशेंट का उसको कम करता है उसमें जो फियर के वजह से हो गया या फिर कोई अदर रीजन की वजह से हो गया उसका जो एक्साइटमेंट है एंजाइटी के वजह से है, जो एक्साइटमेंट है उसको कम करने का काम जो है ये सीडेटिव करता है बट स्लीप इंड्यूस नहीं करता तो दोनों जो ड्रग है सीडेटिव और हिप्नोटिक्स से दोनों भी ड्रग सी एन एस डिप्रेशन है अब ये सी एन एस डिप्रेशन बोले तो हम देखी ड्र ऐसी कैटेगरी दे रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये कैटेगरी के अंडर ये ड्रग आते हैं जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कौन सा हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो इनको डिप्रेस करने का काम जो है ये सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स करते हैं तो द डिफरेंस बीइंग द डेप्थ ऑफ सी एन डिप्रेशन प्रोड्यूस इन दिस रिस्पेक्ट सीडेटिव में बी कंसिडर एज माइल्ड हिप्नोटिक्स एंड वाइस वर्सा तो डिफरेंस क्या है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में अगर हम कम क्वांटिटी में अगर देते हैं तो ड्रग सीडेटिव करके एक्ट होता है और उसे ही हम अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं तो वो हिप्नोटिक्स करके कहलाता है तो ऐसे ड्रग्स हम जब देते हैं आइजर माइनर कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं तो वो सीडेटिव करके एक्ट होते हैं वो स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं बट अगर हमें हायर सेंटर्स को डिप्रेस करना है तो हमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है जिसकी वजह से हायर सेंटर जो है वो भी डिप्रेस हो ज़्यादा डिप्रेस हो और स्लीप इंड्यूस हो तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन जब भी हम बढ़ाते हैं तो वो सीडीटिव ड्रग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर हिप्नोटिक ड्रग्स ठीक है तो सीडेटिव को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ माइल्ड हिप्नोटिक ठीक है माइल्ड हिप्नोटिक मीन्स पेशेंट को स्लीप तो इंड्यूस नहीं करता बट पेशेंट इतना रिलैक्स हो जाता है कि कुछ देर के बाद उसे नेचुरल स्लीप आ जाती है वैसा ही वाइस वर्षा बोला है वाइस वर्षा मीन्स हिप्नोटिक्स को भी आप सीडेटिव बोल सकते हैं अगर हिप्नोटिक ड्रग को हम कम कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं ठीक है थीके? अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव तो ये है आपका चार्ट जिसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है सीडेटिव और हिप्नोटिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट इज बारेट्स एंड सेकंड वन इज नॉन बारबिच्यूरेट्स अब बारबीचुरट्स में आते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स अब लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका एक्शन अप टू एट आवर्स तक के चलता है इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके बारबिटोन एंड फिनो फिर आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग बारबिचूरेट ये जो है ये फोर आवर्स तक के अपना ड्रग एक्शन दिखाते हैं अप टू फोर आवर्स ये पेशेंट को सीडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन देते हैं इसमें आता है अमाइलो एंड साइक्लो फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट एक्टिंग बारबिचरेट्स अब ये शॉर्ट एक्टिंग बारबिचूरेट्स क्या होते हैं ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका एक्शन लेस देन फोर आवर्स तक के रहता है मींस लेस देन फोर आवर्स में आपका थ्री आवर्स भी हो सकता है टू आवर्स भी हो सकता है वन आवर्स भी हो सकता है इसमें एग्जाम्पल है आपके हेक्सोबारबिटोन एंड सेको इसके बाद आते हैं शॉर्ट एक्टिंग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिच्यूरेट ऐसे रेट्स होते हैं जो कि लेस देन वन आवर आपको एक्शन दिखाते हैं ठीक है मींस अगर हम इसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो एक घंटे तक के ये पेशेंट को सीडेटिव या हिप्नोटिक एक्शन दिखाएगा और लेस देन वन आवर ये सीडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन दिखाएंगे और उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा बिकॉज ये जल्दी से हमारे बॉडी से निकल जाते हैं इसमें एग्जाम्पल आता है थायोपेन्टोन एंड मिथोहेक्टोन अब ये बारबिच्यूरेट जो थे ये पहले बहुत फेमस थे बट जैसे ही इन्वेंशन हुआ बेंजोडाइजेपिन्स का जो कि नॉन बार्बिचुरेट कैटेगरी का एग्जाम्पल है तो वैसे वैसे बार्बिचुरेट का प्रिस्क्रिप्शन कम होते गया बार्बिचुरेट को प्रिस्क्राइब करना कम होते गया क्यों क्योंकि बारबीचूरेट का कोई पॉइजनिंग होता है तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीडोट प्रेजेंट नहीं है इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है तो बारबिचूरेट थोड़ा एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है उसके कंपैरिज़न में बेंजोडाइजेपिन्स आ गए बेंजो में क्या है कि भाई एडवर्स इफेक्ट जो है वो कम है इफेक्ट इक्विवेलेंट टू बारबिचुरेट्स है इसलिए बेंजोडाइजेपिन्स ये सुपेरियर है देन यूर बारबीच्यूरेट्स अब इसमें नॉन बारबीचूरेट कैटेगरी में आते हैं बेंजोडाइजेपिन्स और इसमें एग्जाम्पल आता है आपका डाइजापाम और नाइट्राजिपाम। ठीक है तो डाइजापाम और नाइट्राजिपाम को भी सीडेटिव करके और हिप्नोटिक्स करके यूज करते हैं इसके अलावा आता है आपका अल्कोहल्स अल्कोहल्स में आता है क्लोरल हाइड्रेट अब ये क्लोरल हाइड्रेट क्या है ये भी आपका नॉन बारबिच्यूरेट कैटेगरी का सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है ये जो ड्रग है ये भी बहुत आपको सिडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन दिखा सकता है इसके अलावा अल्डिहाइड्स में आते हैं पैरा पैरा जो है अभी भी यूज़ होते हैं मोस्टली जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं एज वेल एज एल्डर पेशेंट होते हैं उसके लिए पैरा का यूज होता है पैरा ये सेफ कैटेगरी ऑफ सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में आते हैं और इसका एक्सक्रीशन जो होता है वाया लंग्स होता है तो जब भी इसका एक्सक्रीशन होता है तो माउथ से बहुत खराब स्मेल आता है उसके बाद आते हैं मिसलिनियसिले कैटेगरी में मोस्टली एंटी हैं जिसमें एग्जाम्पल है, है हाओसिन हाओसिन को आप स्कोपालामिन भी बोल सकते हैं तो ये जो ड्रग है ये आपके जो बॉडी के सिक्रीशन से फ्लूड सिक्रीशन जो है उनको कम करने का काम मोस्टली करते हैं एज अ एंटी सिक्रेटरी एंटी सिक्रेटरी एजेंट करके यूज होते हैं अब हम आज का जो पार्ट वन है इसमें ओनली बारबिच्यूरेट्स को डिस्कस करेंगे पार्ट टू में हम नॉन बार्बिच्यूरेट्स को डिस्कस करेंगे तो मोस्टली जो एग्जाम में है एम एस बी टी के एग्जाम हो या फिर जो भी आपका डिप्लोमा का एग्जाम हो जो भी स्टेट का आपका एग्जाम हो डिप्लोमा का उसमें बारबिच्यूरेट जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो फर्स्ट देख लेते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शन दिस क्लास ऑफ़ रिलेटेड ड्रग्स विच रिवर्सिबली डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ ऑल एक्साइटेबल टिश्यू आइजर नर्व टिश्यू और मसल्स ठीक है तो ये क्लास में जितने भी स्ट्रक्चरली रिलेटेड ड्रग्स है वो सभी क्या करते हैं रिवर्सिबली डिप्रेस करते हैं एक्टिविटी ऑफ ऑल एक्साइटेबल टिश्यू एक्साइटेबल टिश्यू में कौन से आते हैं आपके नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू में आपके न्यूरॉन्स आते हैं इसके अलावा मसल्स आते हैं जो आपका बॉडी का स्केलेटन है स्केलेटन को सपोर्ट करने के लिए जो मसल्स है जो बॉडी के जो आ, बोन्स है बोन्स में जितना आपका स्ट्रेंथ है ड्यू टू मसल्स है इनको सबको डिप्रेस करने का काम जो है ये बारबिचूरेट करता है और ये रिवर्सिबली डिप्रेस करता है मीन्स कुछ समय के लिए डिप्रेस करता है उसके बाद ये एलिमिनेट हो जाता है आपके बॉडी से वाया एक्सक्रिटरी सिस्टम और आपके बॉडी में से ये वॉश आउट होने के बाद फिर से आप नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं दे कैन अचीव वेरियस डेप्थ ऑफ़ डिप्रेशन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड लीजिए सी एन एस डिप्रेशन इससे पहले भी हमने देखा है कि भाई जितना ज्यादा डेप्थ में आपका ड्रग जाते जाएगा उतना वो वहां के सेंटर्स पे एक्ट होते जाएगा जो ब्रेन में जो सेंटर्स है जो कंट्रोल करते हैं वेरियस मेकेनिजम्स लाइक रेस्पिरेशन लाइक डाइजेशन लाइक योर सिक्रीशंस ये सब चीज़ें जो है जब भी आपका ड्रग ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होता है और स्पेशली डिप्रेशन करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो वहाँ पे जितने भी सेंटर है वो डिप्रेस होते हैं और अल्टीमेटली जितना डेप्थ में वो एक्ट हो गए उतना वो आपके बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे तो ये लाइन क्या बोलती है कि दे कैन अचीव वेरियस डेप्थ ऑफ सी एन एस डिप्रेशन ठीक है रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड सीडेशन माइल्ड सीडेशन में क्या होता है कि पेशेंट आपका रिलैक्स होता है रिलैक्स होने के बाद उसके हार्ट रेट थोड़ा कम होता है रेस्पिरेशन रेट थोड़ा कम होता है बट अगर आपका ये ड्रग और आगे बढ़ गया और अंदर चला गया आपके ब्रेन के और पहुँच गया आपके मेडुला ऑबलंगाटा ये वर्ड ध्यान में रखिए मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि भाई मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वहाँ पे है हमारा रेस्पायरेटरी सेंटर ठीक है रेस्पिरेशन सेंटर जो है वहां पे है अगर वहां तक के ड्रग पहुंच गया तो रेस्पायरेटरी ट्रैक कोलैप्स हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेना बंद हो जाएगा और आप कोमा में जाएंगे और फाइनली डेथ कंडीशन आ सकती है पेशेंट पे ठीक है द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द डोसेज ठीक है अब ये डेप्थ ऑफ डिप्रेशन किस किस वजह से हो सकता है एक तो डोसेज की वजह से अगर आप कम डोज देते हैं तो सिडेशन होगा ज्यादा डोज देंगे तो हिप्नोसिस होगा उससे ज्यादा देर ज्यादा जा, डोज देंगे तो उसका टॉक्सिसिटी होगा ठीक है तो ये एक पहला रीजन हो गया उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने पहले भी पढ़ा है अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर देख लीजिए रूट्स ऑफ़ वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर ओरली हम वो ड्रग देते हैं तो वो ड्रग क्या होगा पहले जाएगा फिर एडमिनिस्ट्रेड होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबोलाइज होगा और फाइनली आपका एक्सक्रीट होगा तो जब भी हम मोरली ड्रग लेते हैं तो ड्रग धीरे एक्ट करता है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन देयर एब्जॉर्बशन वो एब्जॉर्ब कितना फास्ट होता है इस पे हम इस पे आपका ड्रग का इफेक्ट डिपेंड करता है बट अगर आप इंट्रावेनसली इंट्रामस्कुलरली या फिर सबकुटानियस जो भी आ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है लाइक पैरेंट्रल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं वहाँ से अगर ड्रग लेते हैं तो वो जल्दी ब्लड्स में जाते हैं और फास्ट एक्शन दिखाते हैं तो ये भी एक रीज़न है आपका कि भाई अगर हम इंट्रावेनसली ड्रग को लेते हैं तो ड्रग हमारा ज़्यादा अमाउंट में जा सकता है एक्सीडेंटली इनटू योर ब्लड वेसल्स जिसके वजह से डेप्थ ऑफ डिप्रेशन बढ़ सकता है जो कि अल्टीमेटली डिप्रेस कर सकता है रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ योर मेडुला ऑब्लंगाटा और जिसकी वजह से कोमा और डेथ भी होने के चांसेस है इसके अलावा टॉलरेंस फ्रॉम प्रीवियस यूज टॉलरेंस फ्रॉम प्रीवियस यूज मीन्स अगर आप पेशेंट को रेगुलरली समझ लीजिए सौ एम दे रहे हैं जिसके वजह से वो पेशेंट आइदर सीडेटिव कंडीशन में चला जाए या फिर उसे स्लीप आ जाए तो आप रोज समझ लीजिए वो पेशेंट को हंड्रेड एम, एम जी दे रहे हैं हंड्रेड एम दे रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि वो हंड्रेड एम उसके ऊपर काम नहीं करेगा ड्यू टू टॉलरेंस वो 100 एम को टॉलरेट करेगा 100 एम हम पेशेंट को देंगे तो भी उसको स्लीप नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे अभी इसको स्लीप आना चाहिए तो हम हमारा डोज बढ़ा देंगे ऐसे चक्कर में क्या हो जाएगा कि ओवर डोज होने का चांसेस हो जाएगा जिसके वजह से डेप्थ ऑफ डिप्रेशन बढ़ने का चांस है और अल्टीमेटली उसके एडवर्स इफेक्ट दिखने के चांसेस है उसके बाद डिग्री ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सी एन एस एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो पेशेंट कितना एक्साइटेड है उसके सी एन एस सिस्टम में जो है कितनी मींस एक्साइटमेंट है मीन्स उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना एक्साइट है उसके हिसाब से वो टाइम पे हम कितना ड्रग देते हैं इससे भी डेप्थ ऑफ डिप्रेशन डिफाइन होती है ठीक है अगर हम पेशेंट का एक्साइटमेंट स्टेज अगर ज़्यादा है तो उसको हम ज़्यादा ड्रग देंगे जिससे कि वो काम डाउन हो जाए उसका एक्साइटमेंट कम हो जाए अगर उसे स्लिप की ज़रूरत है तो हम हिपनोटिक्स लेवल का डोज देंगे डोज जिसके वजह से वो पेशेंट को स्लीप आ जाए तो ये भी चीजें डिपेंड करती है फॉर द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन ऑफ सी एन एस ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन के लिए ये भी चीज इफेक्ट करती है उसके अलावा कंडीशन ऑफ द पेशेंट ठीक है तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कि पेशेंट कैसा है और उसके अलावा वो कितना एक्साइट है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना एक्साइटेड कंडीशन में है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें उसे को कितना डोज देना है आइधर सीडिटि कैंड में देना है और आइधर हिप्नोटिक्स डोज देना है जिससे कि वो काम डाउन हो जाए या फिर उसे थोड़ी नींद आ जाए ठीक है तो पहले देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शन हमारे बारबिच्यूरेट्स का सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स इफेक्ट तो हिप्नोटिक्स डोज ऑफ बार्बीचुरट प्रोड्यूस स्लीप विच इज काम टू बी क्लेम टू बी नेचुरल स्लीप इनफैक्ट नो ड्रग कैन इंड्यूस नेचुरल स्लीप तो मैंने इससे पहले भी बोला था कि भाई हिप्नोटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्लीप तो सेम बारबीचूरेट भी स्लीप प्रोड्यूस करता है जो कि क्लेम करता है कि भाई वो नेचुरल स्लीप होती है बट फैक्ट ये है कि कोई भी ड्रग नेचुरल स्लीप इंड्यूस नहीं करता नेचुरल स्लीप कंसिस्ट ऑफ पीरियडिकल साइकिल ऑफ ट एंड नॉन रैपिड आई मोमेंट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बारबीचूरेट रिड्यूस आर एम है स्लिप डिफर फ्रॉम नेचुरल स्लीप इन रिड्यूस आर एम टाइम तो बाद में डिस्कस करने से अच्छा अभी डिस्कस कर लेते हैं तो आर ई एम क्या होता है रैपिड आई मोमेंट रैपिड आई मोमेंट मीन ऐसी स्लिप की जो जल्दी खुल जाती है और आर ई एम में मोस्टली आपको ड्रीम्स आते हैं ठीक है थीके? और जो नॉन आर ई एम स्लिप जो होती है ये डीप स्लिप होती है ये मोस्टली ज़्यादा टाइम की स्लीप होती है ये भी तीन स्टेज में होती है और जब ये नॉन आर ई e. एम स्लीप जो होती है ये डीप स्लीप होती है ये होती है नेचुरल स्लीप आर ई e. एम जो है इसमें आदमी को थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस रहता है आपको ड्रीम्स आते हैं और आप को कोई आवाज आ जाए या फिर कोई ऐसा हिला दे तो आपको मीन्स uh, आप जाग जाएंगे ठीक है बट केस ऑफ नॉन रैपिड आई मोमेंट ये डीप स्लीप होती है बाजू आजू बाजू क्या हो रहा है इससे टोटली totally जो है हम अनअवेयर रहते हैं ठीक है थीके? हमें कुछ लेना देना नहीं होता है ऐसी कंडीशन में हम रहते हैं और इसमें हमें कभी भी सपने नहीं आते हैं मीन्स ड्रीम्स नहीं आते हैं सपने सिर्फ़ आपको आर ई एम जो है रैपिड आई मोमेंट पीरियड जो रहता है वही आते हैं और ये बहुत कम समय के लिए आते हैं बट बारबीचूरेट क्या करता है बारबीचूरेट जो 10 15 20 मिनट का जो आर ई एम पीरियड है उसको भी कम करने का काम करता है जिसके वजह से रिड्यूस आ एम टाइम की वजह से हमारा जो स्लीप साइकिल है ये कंटिन्यूसली नॉन रिम और नॉन रैपिड आई मोमेंट स्टेज में चलते रहता है जिसके वजह से पेशेंट को डीप स्लीप आती है बट इसके ड्रॉबैक्स है अगर बारबिचूरेट्स लेना हम बंद कर दें तो पेशेंट का सॉरी हमारा नहीं पेशेंट अगर ड्रग ये लेना बंद कर दे बारबिच्यूरेट्स तो उसमें जो है जो उसका स्लीप साइकिल है स्लीप साइकिल में डिस्टरबेंस आने के चांसेस है और फिर से वो सीवियर कंडीशन में जाने के चांसेस है लाइक इंसोमनिया एंड वेरियस स्लीप डिसऑर्डर तो ये इसका ड्रॉबैक है हिप्नोटिक्स डोज ऑफ बारबिचूरेट्स कॉजेस मोटर इनकोऑर्डिनेशन ठीक है अब हिप्नोटिक डोज देंगे हम अगर बारबिच्यूरेट का तो मोटर इनकोर्डिनेशन रहेगा मीन्स हमारे मसल और या फिर हमारे जो मूवमेंट है इसमें कॉर्डिनेशन नहीं रहेगा डोज ऑफ बार्बीचूरेट डिप्रेजेज द एक्टिविटी रिड्यूस एक्साइटमेंट रिल्यूज टेंशन एंड एंजाइटी तो ये इससे पहले भी मैंने बोला है कि एक्साइटेड पेशेंट को ये काम डाउन करता है उसका एक्साइटमेंट को रिड्यूस करता है अगर पेशेंट ज्यादा ही एक्साइटेड है तो उसको काम डाउन करके उसको थोड़ा शांत करने का काम ये सीडेटिव डोज करता है इसके अलावा अगर कोई टेंशन हो आ, जैसा कि इससे पहले हमने जनरल एनास्थेटिक में दे, देखा था कि पेशेंट को टेंशन है कि भाई ऑपरेशन थिएटर में कैसा जाओ मैंने इससे पहले ऑपरेशन तो नहीं किया है तो ऐसे पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए भी सीडी डोज देते हैं एज वेल एज़ एनजाइटी कुछ पेशेंट्स को होता है या फिर कोई पेशेंट को फोबिया होता है ऐसे पेशेंट्स को भी डोज देते हैं भीट्स का उसके बाद देखते हैं एनास्थेटिक इफेक्ट तो बारबीचुरेट में कौन से ड्रग है जो कि एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करते हैं वो हम देखते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिच्यूरेट थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटल एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली प्रोड्यूस जनरल एनेस्थेटिक तो ये हमने जनरल एनेस्थेटिक चैप्टर में देखा था कि थायोपेंटोन जो है एज अ प्री मेडिकेशन एनेस्थेसिया में देते हैं जिसके वजह से पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है जो थायोपेंटोन है ये सिर्फ 15 मिनट के लिए काम करता है हार्डली इसके अलावा मिथोहेक्सिटोन भी जो है ये इसी का भाई है मिथो एक्जीटोन सोडियम करके आता है तो ये जो है ये भी इंट्रावेनसली देते हैं जिसके वजह से पेशेंट जो है जब तक ऑपरेशन थिएटर तक नहीं जाता है तब तक के उसको कार्म डाउन करने के लिए यह ड्रग देते हैं जो कि एनास्थेटिक इफेक्ट दिखाता है उसके बाद आते हैं हम एंटी कन्वर्जन डिफेक्ट तो बारबीचूरेट जो है एंटी कन्वर्जन डिफेक्ट भी दिखाता है एंटी कन्वर्जन इफेक्ट अगर हम उसे हिंदी में बोले तो लाइक सीजर आना मिर्गी आना जिसे बोलते हैं मिर्गी वर्ड जो है कन्वर्जन जिसमें सीजर्स आता है पेशेंट ज़्यादा एक्साइट होता है अलग से ही रिएक्ट करता है ट्रिमर्स आते हैं उसमें तो उस वो पेशेंट को भी रिलैक्स करने का काम बार्बीचूरेट करता है तो बारबिच्यूरेट डिप्रेस बोथ मोटर एंड सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रम। तो हमारे ब्रेन में जो सबसे बड़ा पार्ट बोल सकते हैं आप सेरिब्रम जो है वहां का मोटर एंड सेंसरी एरिया को दोनों को डिप्रेस कर देता है बारबिचूरेट और इसके वजह से उससे एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट आता है तो जो कन्वर्जन होता है मोस्टली ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ योर ब्रेन नर्व सेल तो ये ब्रेन में जो नर्व सेल है उनमें जो इनकोऑर्डिनेशन होता है उसके वजह से ये कन्वर्जन आता है पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो बारबिचुरेट क्या करता है बहुत मोटर और सेंसरी एरिया को ही डिप्रेस कर देता है सेरिब्रम के जिसके वजह से वो एंटी कन्वर्जन डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है मीन्स जो ब्रेन में जो नर्व्स से है सेरिब्रम के उनको वो क्या कर देता है डिप्रेस कर देता है तो अल्टीमेटली पेशेंट भी शांत हो जाता है और उसके वजह से एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट मिलता है तो फिनोबार्बिटोन इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ फिनोटोइन टू इनहिबिट इपिलेप्टिक कन्वर्जन तो इपिलेप्टिक कन्वर्जन जो है यही जो मिर्गी जो बोलते हैं हम इसको इनहिबिट करने के लिए फिनोबारबिटोन यूज़ करते हैं फिनोटोइन ड्रग के साथ ये फिनोटोइन ड्रग जो है ये एंटी ए एंटी ड्रग है जो कि यूज़ होता है इसके साथ फिनोबारबिटोन को भी देते हैं जिसके वजह से आपको एंटी कन्वर्जन इफेक्ट मिलता है उसके बाद एनालैसिक इफेक्ट एनालजेसिक जैसा कि मैंने बोला था दो ड्रग विच रिड्यूस पेन तो बारबिच्यूरेट आर नॉट एनलिक तो बारबिच्यूरेट ये एनलजेसिक नहीं है ये पेन को रिड्यूस नहीं करते अगर हम इसको स्मॉलर डोज में देते हैं तो ये उल्टा इंक्रीज करते हैं सेंसिटिविटी टू पेन ठीक है पेन की अगर हमें पेन हो रहा है और हम स्मॉल डोज में बारबिचूरेट दे रहे हैं तो ये और पेन को बढ़ाने का काम करता है और उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है बट बारबीचूरेट को अगर हम सैलिसिलेट या पैरासिटामोल के साथ देते हैं तो बारबीचूरेट क्या करता है सैलिसिलेट और पैरासिटामोल का एनलजेसिक इफेक्ट बढ़ाता है ठीक है तो बारबीचूरेट अकेले में देंगे तो ये कोई आपका पेन कम नहीं करेगा इसके अलावा ये और पेन बढ़ाने का चांसेस है सेंसिटिविटी टू पेन जो है ये बढ़ाता है बट अगर हम इसको हमारे एनएसए और नॉन स्टोराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो हमने देखे थे लास्ट चैप्टर्स में सैलिसिलेट्स या पैरासिटामॉल के साथ देते हैं तो ये सैलिसिलेट और पैरासिटामोल का एनलजेसिक इफेक्ट को बढ़ाने का काम करता है इसके बाद आते हैं रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है रेस्पिरेशन इज नॉर्मली मेंटेन स्लीप इंड्यूस्ड बाय हिप्नोटिक डोज ऑफ बारबिचूरेट इज एसोसिएटेड विद द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इन केस ऑफ नॉर्मल स्लीप ठीक है तो रेस्पिरेशन जो है ये नॉर्मली मेंटेन रहता है अगर हम हिप्नोटिक डोज भी देते हैं बारबिचूरेट का तो ये रेस्पेरेटरी सेंटर या सिस्टम को डिप्रेस करता है बट जिसके बट इतना डिप्रेस करता है कि भाई हमें नॉर्मल स्लीप आ जाए ठीक है तो ये थेरापेटिक डोज का कंडीशन हो गया जब भी हम थेरापेटिक डोज देंगे कोई भी पेशेंट को तो ये डेफिनेटली आपका मेडुला ऑब्लैंगाटा के रेस्पिरेटरी सेंटर पे एक्ट करेगा उसको डिप्रेस करेगा जिसकी वजह से रेस्पिरेशन जो है ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा आपको इफेक्ट मिलेगा आप थोड़ा शांत हो जाए पेशेंट शांत हो जाएगा और नॉर्मल स्लीप आ जाएगा ड्यू टू हिप्नोटिक डोज बट हायर डोज अभी हिप्नोटिक डोज के ऊपर वाला डोज हायर डोज ऑफ बारबीचुरे डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मिडल ऑबलिंगा एंड मे लीड्स टू रेस्परेटरीली रेस्परेटरी कोलैप्स एंड डेथ तो अगर हम पेशेंट को हिप्नोटिक डोज और थेरापेटिक डोज देते हैं तो रेस्पैरेटरी सेंटर तो डिप्रेस होगा जिसकी वजह से नॉर्मल स्लीप आपको आएगा बट एक्सीडेंटली या सुसाइडल इंटेंशन से हमने अगर हायर डोज ऑफ बारबिच्यूरेट्स को लिया तो ये अल्टीमेटली रेस्पेरेटरी सेंटर जो है मेडुला ऑबलंगाटा में प्रेजेंट उसको इतना ज्यादा डिप्रेस कर देगा जिसके वजह से रेस्पायरेटरी कोलैप्स हो जाएगा रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा और पेशेंट का डेथ हो जाएगा तो ये सभी चीजें जो अभी ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये हर वीडियो में हम वही चीज पढ़ रहे हैं मेडुला ऑबलंगाटा रेस्पिरेशन तो ये सब एक मेक से रिलेटेड है हमारा बॉडी ही कोऑर्डिनेशन में चलता है रेस्पिरेशन से लेके हार्ट से लेके सभी कोऑर्डिनेशन में चलता है तो सभी टर्मिनोलॉजी आपको हर चैप्टर में एक बार दो बार सौ बार रिपीटेड मिल सकती है तो इसमें अपना कोई दोष नहीं है अपना बॉडी ही ऐसा कोऑर्डिनेशन में है इसलिए मैं हर बार मेडुला ऑब्लंगाटा को थोड़ा सा फोकस करता हूँ बिकॉज रेस्पारेटरी सेंटर जो है ये अगर बंद हो गया तो हमें अल्टीमेटली डेथ होना ही है ठीक है हमारा डेथ होना ही है तो इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो इफेक्ट आ, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स हार्ट और हमारे जो आर्टरीज और वेंस जो है जिससे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बना है इस पर क्या इफेक्ट है वो हम देखते हैं थेरापेटिक डोज ऑफ बारबिचूरेट में कॉज स्लाइटली फॉल इन ब्लड प्रेशर तो थेरापेटिक डोज जो भी हम देते हैं आइदर सीडेटिव डोज हो या फिर आपका हिप्नोटिक डोज है जो भी हमारे स्टडी से निकल के आया है थेरापेटिक डोज अगर वो हम देते हैं पेशेंट को तो ये ब्लड प्रेशर को स्लाइटली डिक्रीज करता है ठीक है इसके अलावा हार्ट रेट को भी डिक्रीज करता है तो अगर हम हिप्नोटिक डोज देते हैं तो उसके वजह से हमें नॉर्मल स्लीप जैसा लगेगा या फिर सीडिटिव डोज देते हैं तो उसमें भी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा काम डाउन होगा हार्ट रेट थोड़ा काम डाउन होगा जिससे पेशेंट का एक्साइटमेंट जो है वो कम होगा द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर में टेंसिव पेशेंट तो हाइपर टेंसिव पेशेंट है जिसमें ऑलरेडी इंक्रीज इन बीपी है और जिसका ब्लड प्रेशर ऑलवेज बड़ा रहता है तो ऐसे पेशेंट को अगर हम बारबीचूरेट देते हैं थेरापेटिक डोज तो उसमें वो मार्क इफेक्ट दिखाएगा मीन्स उसका हाइपर टेंसिव बढ़ा हुआ बीपी को वो कम करने का काम करेगा बट टॉक्सिक डोज ऑफ बारबीच्यूरेट प्रोड्यूस सस्टेंड हाइपोटेंशन ठीक है टॉक्सिक डोज अगर हम देते हैं नाम ही टॉक्सिक डोज है तो इतने डोज में पेशेंट हाइपोटेंशन कंडीशन में मीन्स ब्लड प्रेशर उसका गिर जाएगा जिसके वजह से आपका हार्ट जो है हार्ट फेल्योर होने का भी चांसेस है अब हम देखते हैं जीआईटी ट्रैक्ट ट्रैक और गैस्ट्रो इंटस्टिनल ट्रैक पे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बार्बीचूरेट्स का थेरापेटिक डोज ऑफ बार्बीचूरेट डू नॉट अफेक्ट द मोटिलिटी ऑफ जीआईटी आई टी मीन्स थेरापेटिक डोज ऐसा डोज कि भाई आइदर हमको पेशेंट को सीडेटिव डोज देना है या फिर हिप्नोटिक डोज देना है जिससे कि उसे स्लीप आए या फिर उसका एक्साइटमेंट कम हो उसे हम थेरापेटिक डोज बोलते हैं तो ये आपके गेस्ट्रोइंस्टेस्टिनल ट्रैक का जो मोटेलिटी है जिसे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोलते हैं उस पर कोई अफेक्ट नहीं करता बट अगर उससे ऊपर हम डोज देते हैं जिसे हम टॉक्सिक डोज बोलते हैं ठीक है थीके? थेरापेटिक डोज ऐसा डोज जो हमें ज़रूरी है ठीक है सीडेशन के लिए ज़रूरी है या फिर हमें स्लीप इंड्यूस करने के लिए जो जितना डोज है उसे थेरापेटिक डोज बोलते हैं बट इस डोज के ऊपर अगर हम अमाउंट देते हैं या फिर पेशेंट उसे एक्सीडेंटली लेता है या फिर कोई गलती से पेशेंट को वो डोज देता है तो ये रिटार्ड करता है पेरिस्टालसिस तो ये जो गैस्ट्रिक मोटेलिटी जो है जो कि हमारे जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसको प्रॉपरली मूव करने का काम करता है जो जी आई ट्रैक वो थेरापेटिक डोज में अफेक्ट नहीं होता बट टॉक्सिक डोज में क्या हो जाता है ये पेरिस्टाइल्ट मूवमेंट जो है जो जी आई ट्रैक का मूवमेंट है ये रिटायर्ड हो जाता है ये बंद पड़ जाता है जिसके वजह से जो भी हमने खाया है जो भी हमने फूड खाया है ड्रग खाया है वो वही के वही स्टॉप हो जाता है और अल्टीमेटली इससे भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट दिखने के चांसेस है इफेक्ट ऑन किडनी अब किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इंट्रावेनस बारबिच्यूरेट स्टिमुलस एच प्रोडक्शन ठीक है तो इंट्रावेनसली बारबिचूरेट क्या करता है एडीएच प्रोडक्शन करता है दे आल्सो डिक्रीज इन ग्लोमुलरस फिल्ट्रेशन रेट विच रिजल्ट इन टू डिक्रीज यूरिन आउटपुट दिस कंडीशन लीड्स टू ऑलिग यूरिया ठीक है तो इंट्रावेनसली जब बारबिचूरेट देते हैं तो ये ए डी एच जो है ए डी एच का प्रोडक्शन को क्या करता है कम करता है ठीक है ए एडीएच का प्रोडक्शन को सॉरी ए डी एच के प्रोडक्शन को एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन जो है इनको स्टिमुलेट करता है और उसके वजह से क्या होता है ग्लोमस फिल्ट्रेशन जो होता है जो कि नेफ्रॉन में होता है ये जो रेट है ये डिक्रीज होता है जिससे कि हमारा यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होता है ठीक है तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ओलीग्यूरिया ठीक है ऑलिग बोलते हैं इसके बाद आते हैं सॉरी ये इफेक्ट ऑफ किडनी इफेक्ट ऑफ किडनी नहीं है ये ये आएगा आपका इफेक्ट ऑन आपका लीवर ठीक है ये मैं गलती से किडनी कॉपी पेस्ट वाला आइटम तो पता ही है तो वो हो गया है तो इफेक्ट ऑन लीवर आएगा तो ये बारबिचूरेट क्या करता है बार्बीचुरेट स्टिमुलेट माइक्रोजोमल एंजाइम सिस्टम इन द लीवर तो हमारे लीवर में जितने भी माइक्रोजोम है माइक्रोजोमल एंजाइम्स है उन्हें स्टिमुलेट करने का काम करता है अल्टीमेटली उनका एक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है विच रिजल्ट इन एक्सीटेड मेटाबोलिक डिग्रेडेशन ऑफ बार्बीचूरेट ठीक है तो जिसकी वजह से आपका जो बार्बीचूरेट है ये फास्ट डिग्रेड होता है इसके मेटाबोलाइट बनते हैं दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू बारबिचूरेट तो ये है एक रीजन बिहाइंड टॉलरेंस टू बारबिच्यूरेट तो टॉलरेंस तो आपको पता चल गया रोज 100 एम रोज 100 एम हम पेशेंट को दे रहे हैं तो पेशेंट को स्लीप आ रहा है या फिर सीडेशन आ रहा है बट एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको सौ एम में स्लीप भी नहीं आएगा और सीडेशन भी नहीं आएगा तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है खुद बारबीचूरेट है बारबिचूरेट क्या करता है लीवर में माइक्रोजोमल एंजाइम सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट करता है जिसके वजह से ये एंजाइम क्या हो जाते हैं एंजाइम इसकी एक्टिविटी एक्सीलरेट करते हैं और एक्टिविटी एक्सीलरेट करने के वजह से बारबीचूरेट जल्दी से डिग्रेड होना चालू हो जाता है और जल्दी से डिग्रेड हो गया अगर बारबीचूरेट तो जो इफेक्ट सीडेटिव इफेक्ट या फिर हिप्नोटिक इफेक्ट हमें मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है इसके वजह से ही पेशेंट में जो है टॉलरेंस डेवलप होता है फॉर बारबिच्यूरेट ठीक है तो बारबीचूरेट का ये इफेक्ट है ऑन लीवर उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं तो फर्स्ट देखते हैं इनटॉलरेंस बहुत से लोगों को बार्बीचूरेट का एलर्जी बोल लीजिए या फिर बारबीचूरेट सूट नहीं करता तो ऐसे कंडीशन में अगर हमने ऐसे पेशेंट को बारबीचूरेट दे दिया तो उसमें क्या दिखता है उल्टा एक्साइटमेंट दिखता है नौशिया वोमिटिंग दिखता है उसका सर दर्द देना चालू हो जाता है और डायरिया दिखता है ठीक है प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनोबार्बिटोन में कॉज एनेमिया अगर फिनोबारबिटोन का प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कोई पेशेंट तो उसमें एनेमिया होने के चांसेस है एनेमिया डिफिशियंसी ऑफ योर हेमोग्लोबिन तो ये जो है एनीमिया एनिमिक कंडीशन होने के चांसेस है अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग एडमिनिस्टर करता है आपका फिनो बारबिटोन बारबिच्यूरेट गिव टू वुमन ड्यूरिंग लेबर में डिप्रेस रेस्पिरेशन तो बारबिचूरेट अल्टीमेटली मेडुलटा पे एक्ट करता है तो बारबिचूरेट ऑल्सो प्लासेंटल बैरियर को भी क्रॉस करता है तो जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमन को हम बारबिचूरेट देते हैं तो चांसेस है कि वो आपका आ, जो प्रे, प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें जो फॉर्टल है उसके रेस्पिरेशन पे डिप्रेसिव इफेक्ट दिखा सकता है ठीक है तो ये भी एक इसका एडवर्स इफेक्ट है बारबिचूरेट्स वेन यूज एज हिप्नोटिक्स बिकॉज ऑफ फॉरगेट फुलनेस द पेशेंट में रिपीटेडली टेक इट एट नाइट एंड पॉइजन हिमसेल्प दिस इज़ कॉल्ड ड्रग ऑटोमेटिजम तो बारबीचूरेट जब यूज होता है एज ए हिप्नोटिक्स मीन्स अल्टीमेटली वो पेशेंट को स्लीप तो प्रोवाइड कर रहा है बट वो हिप्नोटाइज भी कर रहा है हिप्नोटाइज कर रहा है मीन्स उसे याद नहीं रहता कि मैंने ऑलरेडी बारबीचूरेट खाया हुआ है तो वो क्या करता है जहाँ एक गोली खाना चाहिए वहाँ वो दो गोली खा लेता है तो उसके वजह से क्या होता है वो खुद को पॉइजन कर पॉइजन कंडीशन पॉइजन और टॉक्सिक कंडीशन में डाल देता है ठीक है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ड्रग ऑटोमेटिज्म तो बारबिच्यूरेट जब भी एज ए हिप्नोटिक करके यूज करते हैं तो मोस्टली पेशेंट में ये पाया जाता है कि भाई वो रिपीटेडली एक एक गोली लेना चाहिए तो उसके जगह वो भूल जाते हैं कि भाई हमने ऑलरेडी गोली खाई हुई है तो वो सेम दूसरा ड्रग सेम गोली फिर से ले लेते हैं जिसके वजह से जो थेरापेटिक डोज है वो टॉक्सिक डोज बन जाता है और ये टॉक्सिक डोज अल्टीमेटली एडवर्स इफेक्ट दिखाता है तो यही कंडीशन को बोलते हैं ड्रग ऑटोमेटिज्म उसके बाद आते हैं टॉलरेंस तो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप एंड एडेप ऑफ नर्वस टिश्यू टू द ड्रग तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई लीवर में माइक्रोजोमल एंजाइम जो होते हैं उसकी एक्टिविटी खुद बारबिच्यूरेट बढ़ाता है जिसके वजह से वो एंजाइम बार्बिचूरेट को फास्टली मेटाबोलाइज करते हैं और जिसके वजह से हमें जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए आइदर सीडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट जो भी चाहिए उसके लिए हमें ज्यादा ड्रग की जरूरत पड़ती है पेशेंट को ज्यादा जरूरत ज्यादा ड्रग की जरूरत पड़ती है उसे ही हम बोलते हैं टॉलरेंस ऑफ बारबिच्यूरेट ठीक है तो यही रीजन है कि भाई ये आपका बारबिचूरेट ही माइक्रोजोमल एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ाता है इट ऑल्सो प्रोड्यूस क्रॉस टॉलरेंस टू अदर जनरल सी एन एस डिप्रेशन तो ये खुद का तो मेटाबोलिज्म करता ही है बट इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा सी एन एस डिप्रेशन एज अल्टरनेटिव लेते हैं कि भाई बारहबी में टॉलरेंस आ गया अभी कोई दूसरा ड्रग हमने प्रेफर करना चाहिए तो ये उसमें भी बदमाशी करता है कि भाई माइक्रोजोमल एक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ा देता है जिसके वजह से दूसरे ड्रग जो है जो सी एन एस डिप्रेजेंट डिप्रेसेंट है उसमें भी टॉलरेंस आता है उसके बाद है डिपेंडेंस अब बारबिच्यूरेट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंस अब डिपेंडेंस क्या है ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूं बट फिर से एक बार बारबिच्यूरेट ऑन रिपीटेड यूज डेवलप बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस ठीक है बारबीचूरेट ये है सी एन एस डिप्रेशन और अल्टीमेटली जहाँ पर सी एन एस डिप्रेशन आता है तो पेशेंट अल्टीमेटली रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स कंडीशन किसे नहीं पसंद मुझे पसंद है आपको पसंद है सबको पसंद है हमेशा रिलैक्स मोड में रहना कोई टेंशन नहीं रहना तो बारबीचूरेट वो इफ़ेक्ट क्रिएट करता है और अगर बारबीच्यूरेट का एक बार आदत लग गया रोज पेशेंट बारबीच्यूरेट खा रहा है फॉर दिडेशन और फॉर द हिप्नोसिस और फॉर द स्लीप तो वो एडिक्ट हो जाता है और वो डिपेंड हो जाता है साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकली अगर उसे हम वो ड्रग नहीं देते हैं एक भी दिन तो वो वायलेंट हो सकता है या फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है कुछ भी कर सकता है जो पेशेंट बारबिच्यूरेट को एडिक्ट हो गया है जो उस पर डिपेंड है तो विड्रॉल ऑफ द ड्रग मे बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इंसोमनिया एंड डिस्टर्ब स्लीप विच रिजल्ट फ्रॉम द रिबाउंड इंक्रीज़ इन आर एम स्लिप तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये ड्रॉबैक है आपके बारबिचूरेट का कि भाई ड्रग तो हम दे रहे हैं ड्रग बारबीच्यूरेट क्या करता है आरियम जिसमें हमें स्लीप आता है यो जो कि 10 से 15 मिनट का या 20 मिनट का टाइम होता है जो जहाँ पे हम थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं सराउंडिंग के मीन्स कोई आवाज आ रहा है या फिर कोई हमें जगा रहा है और हमें ड्रीम आ रहे हैं ऐसी जो स्लीप है उसका टाइम कम करता है बारबिच्यूरेट ठीक है जिसके वजह से नॉन आर नॉन रैपिड आई मोमेंट साइकिल जो है जो कि जिसमें आता है वो कंटिन्यू चलती रहती है ठीक है बट ऐसे ही पेशेंट को अगर हम बारबिच्यूरेट देना बंद कर दे तो इसमें क्या हो जाता है पेशेंट को फिर से इंसोमिया हो जाता है पेशेंट को स्लीप आने में तकलीफ होता है उसका स्लीप डिस्टर्ब होता है और वो पहले से ज्यादा डिस्टर्ब होता है क्यों डिस्टर्ब होता है ड्यू टू रिबाउंड इंक्रीज इन आर ई एम तो आर ई एम को बारबिचूरेट से हमने कम किया था और जैसे ही बारबिचूरेट देना बंद किया तो आर ई एम का जो टाइम है वो बढ़ गया ठीक है मीन्स आपको सपने ज्यादा टाइम के लिए आने लगे आपको डीप स्लीप कम समय के लिए आने लगी तो ये अल्टीमेटली एक स्प्रिंग जैसा है स्प्रिंग समझते हैं जो स्प्रिंग है बारबीचूरेट ने क्या किया ये आर ई एम नाम का स्प्रिंग को दबाया ठीक है जिसके वजह से सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एक्शन मिले अच्छी नींद आने लगी बट जैसे ही हमने ये स्प्रिंग को छोड़ दिया बारबीच्यूरेट का कंजम्पशन छोड़ दिया और पेशेंट ने बारबीजूरेट का कंजम्पशन छोड़ दिया तो ये स्प्रिंग क्या हो गई फिर से ओरिजिनल कंडीशन में आ गई बट जब भी आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो थोड़ा सा वो क्या होती है स्ट्रेच होती है थोड़ा लंबी होती है तो वैसा ही कंडीशन ये रीम स्लिप का है कि भाई रीम स्लिप जो है आर एम स्लिप जो है ये बढ़ जाती है जब भी आप बारबीचुरट्स को नहीं लेते हैं तो यही कंडीशन के वजह से पेशेंट जो है ये डिस्टर्ब होता है जब भी पहले ड्रग लेता था तो उसे नींद आती थी बट अभी ड्रग नहीं लेता है तो उसे नींद नहीं आती है उल्टा ज्यादा सपने आते हैं ज्यादा बुरे ख्याल आते हैं तो ये चीज के वजह से विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं जिसमें आता है वीकनेस ट्रीमर एंजाइटी एक्साइटमेंट एंड एवन कन्वर्जन तो वीकनेस आता है पेशेंट में पेशेंट डिप्रेस होता है कुछ करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि उसका नींद ने पूरा नहीं होता है उसके अलावा ट्रीमर्स आते हैं मींस उसका बॉडी में थोड़ा शेकीनेस आता है मींस उसका बॉडी हिलने लगता है एंजाइटी होती है मींस बुरे ख्याल आने लगते हैं और डरने लगता है कभी कभी पेशेंट एक्साइटमेंट कंडीशन में चला जाता है कि भाई मुझे नींद क्यों नहीं आ रही मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है और कभी कभी कनवलजन भी होता है कनवलजन क्यों होता है ये अल्टीमेटली ब्रेन डिसऑर्डर है जो ब्रेन के नर्व सेल है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से कनवलजन भी आने के चांसेस है और इपिलेपसी जो कि बोलते हैं मिर्गी का दौरा वो आने के चांसेस है तो ये हो गए एडवर्स इफेक्ट इसके बाद सातवां एडवर्स इफेक्ट है एक्यूट एक्यूट पॉइजनिंग पॉइजनिंग तो acute barbiturate poisoning में क्या होता है एक्सीडेंटल ओवरडोज ले लिया या फिर कंजम्पशन विथ सुसाइटल इंटेंशन लीड टू बारबिच्यूरेट पॉइजनिंग तो एक्सीडेंटली ओवरडोज दे दिया पेशेंट को या फिर पेशेंट को ने सुसाइडल इंटेंशन से बार्बिचुरेट को कंज्यूम कर लिया तो उसको होता है एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइजनिंग आर वीक बट रैपिड इंपल्स ठीक है रैपिड इंपल्स होता है रैपिड सॉरी रैपिड पल्स पल्स रेट जो होता है उसका ज्यादा होता है बट वीक होता है शालो ब्रीदिंग होती है मीन्स ब्रीदिंग जो होता है रेस्पिरेशन वो भी एकदम धीमा धीमा होता है किन कोल्ड होती है और पैरालाइटिक डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है ठीक है पैरालाइटिक डायलेशन ऑफ प्यूपिल मींस आपका माइड्रियास आप बोल सकते हैं ठीक है थीके? इससे पहले हमने पिन पॉइंट पिन पॉइंट प्यूपिल देखा था जिसमें Meiosis बोलते हैं हमारा जनरल एनास्थेटिक में हमने देखा था बट इन केस ऑफ बार्बिचुरेट पैरालाइटिक डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है जिसको हम बोलते हैं माइड्रियासिस माइड्रियासिस तो जब भी पेशेंट को एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग होता है तो ये कंडीशंस उसमें दिखती है और ये चीजें उसमें दिखती है बट पेशेंट ने अगर बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम किया है बारबीचूरेट को तो उसके वजह से फैटल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जिसमें आता है रेस्पिरेटरी एंड रीनल प्रॉब्लम तो रेस्पिरेटरी आपको तो पता ही है मेडुला ऑबलंगाटा मेरा फेवरेट मेडुला ऑबलंगाटा में रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया रेस्पिरेटरी डिप्रेस रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होने की वजह से आपका रे, रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो गया और डेथ होने का चांसेस हो गया रीनल में आपका सिक्रीशन ऑफ और, और स्टिमुलेशन ऑफ एंटी डायरे यूरेटिक हारमोन हो, होता है ठीक है अगर हम ज़्यादा टॉक्सिक डोज ले रहे हैं बारबीचूरेट का तो ये किडनी पे क्या इफेक्ट दिखाएगा ये एंटी डा यूरेटिक जो है जिसमें वासोप्रेसिन वगैरह आता है इसको स्टिमुलेट करेगा जिसके वजह से यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा यूरिन रिटेंशन होगा और उसके वजह से ऑलिगो यूरिया होने का चांसेस है ठीक है तो ये इफेक्ट दिखता है जब भी एक्यूट बारबिच्यूरेट पॉइजनिंग होता है अब इसमें हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि अगर एक्यूट बारबिच्यूट पॉइजनिंग होता है तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होता है तो गैस्ट्रिक लैवेज ये इसमें भी हमने देखा था जब आपका जनरल एनास्थेटिक का पॉइजनिंग होता है तो गैस्ट्रिक लैवेज देते हैं जिसमें कि सिंपल एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इज हेल्पफुल इफ कैरिड आउट विद इन अ थ्री आवर्स ऑफ बार्बिचुरेट इंजेक्शन तो अगर पेशेंट ने बार्बिचुरेट लिया है और उसे तीन आवर्स से कम समय हुआ है तो ऐसे पेशेंट को जनरली गैस्ट्रिक लैवेज देते हैं या फिर लिक्विड देते हैं जो कि आपका बॉडी का जी आई ट्रैक्ट है उसमें जो कंटेंट है उसको क्लियर करता है या फिर आपने ओरली लिया है बारबिच्यूरेट्स को उसको क्लियर कर देगा आपके बॉडी से वो निकाल देगा उसके बाद एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन अब ये क्यों लगता है एडिक्यूट वेंटिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ बारबिच्यूरेट इंटॉक्सिकेशन अब बारबिच्यूरेट इंटॉक्सिकेशन की वजह से क्या हो गया है रेस्पिरेशन डिप्रेस रेस्पिरेटरी ट्रैक डिप्रेस हो गया है आपका मेडुला ऑब्लंगटा का रेस्पिरेटरी सेंटर का डिप्रेशन होने की वजह से रेस्पिरेशन जो है वो बहुत कम हो गया है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गया है तो इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इसलिए वेंटिलेशन ये प्रायोरिटी देते हैं ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन। इफ रेस्पिरेशन इज नॉट मच अफेक्टेड इट कैन बी गिवन बाय कैथेटर। तो नेजल कैथेटर से रेस्पिरेशन देते हैं अगर आपके रेस्पिरेशन ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है बट एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन इज परफॉर्म वेन स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन इज इनएडिक्वेट अब पेशेंट ने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में बारबीचूरेट ले लिया है और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ज़्यादा ही डिप्रेस हुआ है तो ऐसे कंडीशन में एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन करते हैं जिसके वजह से पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके और पेशेंट जो है पेशेंट जिंदा रह सके ठीक है पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में ज्यादा तकलीफ ना हो सके पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन शुड बी यूज टू ट्रीट हाइपोवेंटिलेशन तो ये सभी चीजें जो देखी है जैसा नेजल कैथेटर उसके बाद एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन ये क्या है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए है क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होता है जब भी आपको बारबीचुरेट इंटॉक्सिकेशन होता है तो इसके अलावा पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन भी देते हैं जो कि हाइपोवेंटिलेशन को ट्रीट करता है आपका वेंटिलेशन को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव प्रेशर से रेस्पिरेशन देने का भी काम करते हैं वाइल्ड दिस बार्बिचुरेट इंटॉक्सिकेशन उसके बाद है फोर्स डायूरेसिस फोर्स डायूरेसिस में बारबिच्यूरेट इंटॉक्सिकेशन रिड्यूस यूरिन आउटपुट हमने देखा था एडीएच सिक्रीशन होता है किडनी जब भी हम बार्बीचूरेट इन बार्बिच्यूरेट ज्यादा लेवल अमाउंट में देते हैं तो हमारा यूरिन आउटपुट रिड्यूस होता है एज द अनबाउंड बारबिच्यूरेट इज पैसिवली फिल्टर इन टू द यूरिन द बार्बीच्यूरेट एक्सक्रीशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग यूरिन फ्लो बाय फोर्स डायूरेसिस तो यूरिन आउटपुट हमारा जो है वो कम होता है तो ये यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए फोर्स डायूरेसिस करते हैं जिसके वजह से हमारा बॉडी में से ज्यादा अमाउंट में जो अनबाउंड बारबिचूरेट है वो एक्सक्रीट हो सके फ़ोर्स डायरेसिस इज़ अ डेंजरस प्रोसीजर एंड शुड ओनली बी कंसिडर फॉर दोज पेशेंट हु आर अनलाइकली टू सर्वाइव विथ अदर ट्रीटमेंट तो फोर्स डायूरेसिस जो है ये लास्ट ऑप्शन जैसा समझिए वो तभी करते हैं जब भी पेशेंट जो है पेशेंट पे दूसरी दवा कोई काम नहीं करती है ठीक है कोई ट्रीटमेंट जो है काम नहीं करती है बट हमको पेशेंट को बचाना है तो पेशेंट को बचाने के लिए फोर्स डायोरेसिस करते हैं जिसमें कि हमारा यूरिन के थ्रू जो अनबाउंड बारबिचूरेट है उसको एक्सक्रीट करने का काम करते हैं वाया फोर्सफुली डायूरिस डायूरेटिक लाइक मैनीटॉल एंड फ्रूसीमाइड्स आर यूज तो इसमें जो है फोर्स डायोरेसिस में दो ड्रग यूज होते हैं मैनीटॉल एंड फ्रूसीमाइड जो कि डायोरेसिस करते हैं फोर्सफुली शॉक कार्डियक फेल्यूर एंड रिनल इम्पेयर इंपेयरमेंट आर एप्सुलेट कॉन्ट्राइंडेशन फॉर फोर्स डायोरिस तो ये मेन रीजन है कि फोर्स डायोरेसिस लास्ट ट्रीटमेंट है क्यों क्योंकि कार्डियक फेलियर होने का चांसेस है ड्यू टू शॉक ठीक है रीनल किडनी डैमेज होने का और किडनी फेलियर होने का चांसेस है इसके वजह से फोर्स डायोरेसिस ये लास्ट ऑप्शन है जब भी बारबिच्यूरेट भी इंटॉक्सिकेशन होता है तो फर्स्ट गैस्ट्रिक लेवेज देते हैं इसके अलावा वेंटिलेशन देते हैं इसके अलावा अदर ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि बारबिच्यूरेट हमारे बॉडी से निकल सकता है उसके बाद है अल्कला अलकलीनाइजेशन ठीक है अल्कलीनाइजेशन तो माइल्ड सिस्टमिक अल्कोलिसिस रिड्यूसेस द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन आयनाइज एंड डिफ्यूज फॉर्म ऑफ बारबिचूरेट तो सिस्टेमिक सिस मीन्स अल्कलाइन कंडीशन जो है थोड़ा मेरा प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है तो टंग ट्विस्ट हो रहा है अल्केलोसिस मीन्स अल्कलाइन कंडीशन जो है अगर हम सिस्टमिक प्लाज्मा जो है सिस्टमिक और आप ब्लड में अगर ब्लड का जो पी एच है वो अल्कलाइन लेवल पर लेके जाते हैं माइल्ड अल्कलाइन लेवल पे तो जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है नॉन आयनाइज एंड डिफ्यूज फॉर्म ऑफ बार्बीचूरेट जो है वो क्या है आपके ब्लड में से निकल जाता है ठीक है अगर हम हमारा ब्लड का जो पीएच है उसको अल्कलाइन कंडीशन में लेके जाते हैं तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके बार्बीचूरेट का जो कि नॉन आयनिस फॉर्म में है या फिर डिफ्यूज फॉर्म में है वो कम होने लगता है ठीक है दिस लीड्स टू विड्रॉल ऑफ बारबिचूरेट फ्रॉम द ब्रेन एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई अगर हमारा ब्रेन में बार्बिच्यूरेट गया है ब्रेन में तो जाएगा ही क्योंकि सी एन एस है और का सेब्रोस्पाइनल फुल फ्लूड इसमें भी डेफिनेटली रहेगा तो वो जो बारबिचूरेट है वो निकलता है ठीक है तो अलकलना क्या होता है कि भाई जो ब्लड है ब्लड को स्लाइडली अल्कलाइन करते हैं जिसके वजह से जो आयोनाइ प्लाज्मा में नॉन आयोनाइज और डिफ्यूज फॉर्म ऑफ बार्बीचूरेट है वो निकलता है जिसके वजह से ब्रेन में से और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में से भी आपका बारबिच्यूरेट बाहर निकलता है सोडियम बायकार्बोनेट इज यूज फॉर दिस पर्पज तो जो सिस्टमिक अल्को अलकलोसिस जो है मीन आपका जो ब्लड का पीएच को अल्कलाइन करने के लिए सोडियम बायकार्बोनेट यूज करते हैं ठीक है सोडियम बायकार्बोनेट आपको वेल नोन एग्जाम्पल है सोडियम बायकार्बोनेट को यूज़ करते हैं सोडियम बायकार्बोनेट जैसा ही आपने ब्लड में इंड्यूस किया या फिर ब्लड में जैसा ही पहुंचता है तो ब्लड अल्कलाइन कंडीशन में चला जाता है और बारबिचुरेट जो है जो नॉन आयनाइज फॉर्म में है या डिफ्यूज़ेबल फॉर्म में है वो आपके ब्लड में से एक्सक्रीट होना चालू होता है इसके अलावा ब्रेन और सेरिब्रोफ स्पाइनल फ्लूड में से भी वो निकलता है ठीक है वन वुड अज्यूम दैट द रीऐब्जॉर्प्शन वुड बी डिक्रीज इफ द यूरिन इज अल्कलनाइज ठीक है तो इसका जो री एब्जॉर्प्शन जो है आपका बार्बिच्यूरेट का ये डिक्रीज होता है अगर यूरिन भी अगर अलकली कंडीशन में अल्कलाइन कंडीशन में हो तो यूरिन अगर आपकी अल्कलाइन कंडीशन में है तो इसका बार्बिच्यूरेट का रीएब्सॉर्पन होता है आपको पता है किडनी में ये प्रोसेस होता है तो रीएब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होता है इसके अलावा फोर्स डायूरे हाउ मोस्ट इफेक्टिव ओनली फॉर द लॉन्ग एक्टिंग बारबिच्यूरेट तो फोर्स डायूरेसिस जो है ये जो चीज है ये सिर्फ लॉन्ग एक्टिंग बारबिचूरेट्स के लिए इफेक्टिव है बाकी दूसरे के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर और रीनल इंपेयरमेंट मीन्स किडनी फेलियर होने का चांसेस है तो ये जो लास्ट लाइन मैंने इसमें लिखा है ये थोड़ा डिफरेंट है बट जो नाइजेशन जो है इसमें कुछ नहीं आपको जो ब्लड है ब्लड को अल्कलाइन कंडीशन में करना है बाय द यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जिसके वजह से प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है नॉन नॉन आयनाइज और डिफ्यूज फॉर्म ऑफ बार्बीचुरट वो कम होगा इसके अलावा जो बार्ब्यूचूरेट ब्रेन में है और सेबर फ्लूइड में है वो भी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली वो एक्सक्रीट हो जाएगा अब एक्सक्रीट कब होगा जब हम हमारे ब्लड को अल्कलाइन कंडीशन में लाएंगे विद द यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अब हमारा एक्यूट बारब्यूच्यूरेट पॉइजनिंग में पाँचवा जो इंग्रेडिएंट है वो इंट्रावेनस फ्लूड है अब ये क्यों लगता है दीज आर हेल्पफुल फॉर फोर्स डायोरेसिस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अब ये फोर्स डायोरेसिस अगर होता है तो डायोरेसिस में क्या होगा अल्टीमेटली एक्सक्रीशन होगा एक्सक्रीशन किसका होगा फ्लूड का होगा जो बॉडी में फ्लूइड है आइदर वाटर आप बोल सकते हैं तो वाटर एक्सक्रीट होगा वाटर के साथ अदर आपके सोडियम सॉल्ट हो गया आ, इसके अलावा पोटेशियम हो गया कैल्शियम हो गया जो भी है वो भी आपका बॉडी से निकले गए तो उसके वजह से डिहाइड्रेशन होने का चांसेस है टू प्रिवेंट दैट डिहाइड्रेशन इंट्रावेनस फ्लूड लगाते हैं इंट्रावेनस फ्लूड में लगाने की वजह से दे आर यूजफुल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहता है जिसके वजह से आपके हार्ट पे कोई प्रेशर नहीं आता है हार्ट फेल्योर होने का चांसेस कम होता है ड्यूरिंग फोर्स डायोरेसिस तो फोर्स डायोरेसिस में हमारे बॉडी में से फ्लूड निकालने का काम करते हैं नॉर्मली सलाइन विथ डेक्स्ट्रोस इज यूज फॉर दिस पर्पस। तो नॉर्मल सलाइन विथ डेक्स्ट्रोस जो है एक आ, आपका यूज होता है रिटेन योअर ब्लड वॉल्यूम ठीक है तो ये सब चीजें होता है आपका वेन पेशेंट इज इन अक्यूट बारबिच्यूरेट पॉइजनिंग अब थेरापेटिक यूज देख लेते हैं तो आपको पता है थेरापेटिक यूज में क्या आएगा सिडेशन आएगा सिडेशन के लिए यूज कौन तो, से ड्रग करते हैं फिनोबार्बिटोन अमाइलोबारबिटोन एंड ब्यूटोबार्बिटोन ठीक है इसके बाद हिप्नोसिस के लिए कौन सा यूज़ होता है फिनोबारबिटोन पेंटोबारबिटोन एंड सेकोबारबिटोन इसके अलावा थर्ड थेरापेटिक यूज़ क्या है एंटी कन्वर्जेंट तो एंटी कन्वर्जेंट फिनोबारबिटोन विथ फिनोटोइन इसको यूज़ करते हैं एज एन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग तो फिनोबारबिटोन को एंटी कन्वर्जेंट ड्रग फिनोटोइन के साथ यूज़ करते हैं उसके बाद एनलजेसिया पोटेंशिएशन का भी हमने एग्जाम्पल देखा था कि भाई बारबिच्यूरेट वैसा तो एनलजेसिक है नहीं बट अगर हम इसको सैलिसिलेट या पैरासीटामोल के साथ देते हैं तो वो सैलिसिलेट और पैरासीटामोल का एनलजेसिक इफेक्ट को पोटेंशिएट और बढ़ाने का काम करता है इसके अलावा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जैसा कि पेशेंट को डर लग रहा है फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी और फॉर सम काइंड ऑफ अदर एंजाइटी तो ऐसे पेशेंट को थायोपेंटोन देते हैं जो कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचूरेट है जो कि 10 से 15 मिनट काम करता है जल्दी से ब्रेन में जाता है और जल्दी से ब्रेन में जाता है और ब्रेन पे एक्ट करता है और पेशेंट को काम करता है ठीक है तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इन केस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया थायोपेंटोन को और मिथोहेक्जिटोन को देते हैं उसके अलावा जनरल एनेस्थेटिक में भी थायोपेंटोन को देते हैं तो सेम एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में जनरल एनेस्थेटिक में थायोपेंटोन को यूज करते हैं टू काम डाउन पेशेंट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तो ये हो गए इसके थेरापेटिक यूजेस तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा बारबी चुरेट इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड नाइट गॉड ब्लेस यू बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है थैंक यू